आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। राजद के प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी चंपारण के प्रभारी रूबी सिंह प्रतिरोध मार्च में हुई शामिल। महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रतिरोध मार्च में लिया भाग और रूबी सिंह का भव्य स्वागत किया। पश्चिमी चंपारण के पिपरा चौक पे महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रदेश महासचिव रूबी सिंह का भव्य स्वागत किया। राजद पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी चंपारण के प्रभारी रूबी सिंह ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता त्राही मांग कर रही है और सरकार कान में तेल डालकर सो गई है। किसान यूरिया के लिए दर बदर भटक रहे हैं और आटा, तेल, दूध, दही समेत सारी चीजें महंगी हो गई है। इसके साथ ही लोगों की आय भी न्यूनतम स्तर पर है। इसकी जिम्मेदार या निकम्मी सरकार है। वही महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी ने कहा कि इस निकम्मी सरकार में बेरोजगारी तो है ही, उसके साथ साथ शिक्षा भी चौपट हो गया है। हर जगह घुसखोरी, लूटपाट, हत्या जैसे जुर्म हो रहा है, जैसे कई मुद्दे हैं। आज इस प्रतिरोध मार्च में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वही युवा राजद की संख्या बल के साथ शामिल हुआ। मौके पर महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ MLC सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। इस विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रतिरोध के मार्च के और प्रतिरोध मार्च के अवसर पर हमारे जिला का प्रभारी हमारे रूबी देवी महिला हमारे बेतिया में आ रही है, उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं, इंतजार में हम लोग खड़े हैं। वो आ रही है हमारे बेतिया, हमारे महिला के बीच प्रतिरोध मार्च में उनके स्वागत। कड़ी कड़ी धूप में आप लोग खड़े हैं, बड़ा देर से इंतजार कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रूबी दीदी आएगी, हम लोग स्वागत करेंगे, फिर जाएंगे अपना जुलूस में। आप क्या कहना चाहती हैं आसिया जी? मैं यही कहना चाहती हूँ जो रूबी देवी आ रही है, उनके इंतजार में खड़ी हूँ। आप लोग बहुत देर से धूप में बहुत इंतजार में हूँ। आप कुछ बताना चाहती हैं? बड़ी देर से धूप में खड़ी हैं, देखने को मिल रहा है। हम लोग खड़ा है जगदाम रूबी दीदी को इंतजार में, धूप में हम लोग खड़ा है अपना एक दो घंटा से। शकुंतला जी क्या लगती हैं आपकी? हमारा दीदी लगते हैं, जिला का अध्यक्ष है। आप लोग सब कहीं रूबी राय के समर्थक में खड़े हैं? आप लोग रूबी राय के समर्थन में खड़े हैं? आप लोग रूबी राय की जी की इंतजार में आप लोग खड़े हैं। बेतिया पश्चिमी चंपारण के नानो सती से लेकर बेतिया पश्चिमी चंपारण के देवड़ी और कलेक्ट्रेट और आपको पिपरा कोठी तक शकुंतला देवी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में हजारों संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। इतने कड़ी धूप में आपका इंतजार और स्वागत के लिए ये लोग बेचैन थे, तो आप रूबी देवी जी हैं, प्रदेश से चल कर आई हैं, महासचिव जी हैं, आप क्या संदेश देना चाहती हैं पश्चिमी चंपारण? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि जो हम लोग को आज का जो कार्यक्रम है प्रतिरोध मार्च निकालना है, जो हम लोग उसी लिए महंगाई पर, जितने भी महंगाई है उस महंगाई को, बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना है, सरकार आपस ले, जो बिहार में खाने पीने का जो सामान है उस पर 5% GST लगाया गया है, सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया है, इसको आपस ले सरकार। तो आप एक महिला हैं और बिहार में देखा जाता है कि पूरे भारत में एक जो नियम और कानून बनी है महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं को मान सम्मान भी नहीं दिया जाता है इस सरकार में, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग आगे हम लोग काम करेंगे, इसके लिए भी हम लोग धरना पर बैठेंगे, जबकि इसको मान सम्मान मिले महिलाओं को, कहीं महिलाओं का ऑफिस में कहीं जाते हैं। शकुंतला देवी जी, जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी जी, आप क्या कहना चाहती हैं शकुंतला जी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीदी से जो आप बात पूछे, दीदी जो कह रही है महंगाई पर, अत्याचार पर, बलात्कारी पर, हर गरीबों के साथ अत्याचार होने के कारण, महंगाई के कारण आज हम लोग प्रतिरोध मार्च रखे हैं और जुलूस निकालेंगे। हम लोग मांग करेंगे गरीबों के लिए, जो गरीब हमारा सुरक्षा रहे, गरीबों का जो भी गरीबी है दूर हो।